नमस्कार जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 25 सितंबर संडे यानी रविवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। जिनका आज के दिन बर्थडे है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से जन्मदिन की। जन्मदिन को यादगार बनाइए, एक्साइटमेंट भी रखिए, खूब इंजॉय भी कीजिए। जो आप करना चाहते हैं सब कीजिए, लेकिन सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद लेकर के अपनी सुरक्षा का कवच तैयार कीजिए। यानी बड़ों के आशीर्वाद से हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं और सबसे बड़ी बात है सुरक्षित भी रहते हैं और तरक्की भी पाते हैं। यानी ये आशीर्वाद कहते हैं बिन पैसे लगाए हुए जो आशीर्वाद मिलते हैं ना, आपको कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ चरण छू करके आशीर्वाद लेना है और ढेरों सफलताएँ पानी है। ये अनमोल होते हैं, इसका मोल नहीं लगाया जा सकता। तो हमेशा बड़ों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और छोटों को प्यार ज़रूर कीजिए। मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एक छोटा उपाय है जो आप ज़रूर कर लीजिए। 1.25 किलो चावल में लाल दाल, ये दोनों मिलाकर के आधी आधी आपने डाल करके पूरा टोटल सिर्फ 1.25 किलो ही बनाना है। इसे आप किसी भी ऐसे यंग बॉय को दीजिए जो ज़रूरतमंद यंग बॉय हो, उसे दीजिए। साथ में कुछ मिठाई और साथ में थोड़ी सी दक्षिणा ज़रूर दे करके आए। तो आज के दिन आपने ये उपाय ज़रूर करना है। आपके जीवन के जितने कष्ट होंगे ना, वो कष्ट दूर होंगे, साल बहुत अच्छा रहेगा, सुकून से भरा हुआ साल होगा। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें लाभ ज़रूर मिलता है। पितृपक्ष अभी भी चल रहा है और पितृपक्ष के दौरान हमने हर दिन आपके लिए उपाय बताए कि हमने किस तरीके के उपाय करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे कष्ट भी दूर हों, हमारे पितर भी शांत हों। आज के दिन आपने पीपल के नीचे सरसों के तेल का 4 मुख वाला दिया सूर्य अस्त से लेकर के 40 मिनट के अंदर अंदर आपने ज़रूर प्रज्वलित करना है, जलाना है और पितरों के नाम से जलाना है। इससे आपके पितर शांत होंगे, ढेरों आशीर्वाद देंगे। अब करते हैं बात ट्रांजिट यानी गोचर की। आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, लेकिन लकी विजेता भी है और लकी अक्षर भी है, उसका आपने इंतजार जरूर करना है। सूर्य रहेंगे कन्या राशि में, 8 डिग्री के हैं, बुध है लेकिन साथ में पट रेट्रो कंडीशन में है, बुध वक्रीय चाल में है और चंद्रमा भी साथ में है लेकिन साथ के साथ नीच के शुक्र भी है। भाई 4 ग्रह एक ही साथ है। चंद्रमा कन्या राशि में है, 0 डिग्री के हैं, नीच के शुक्र के साथ हैं, सूर्य भी वहीं है और बुध भी वहीं पे हैं। मंगल रहेंगे 24 डिग्री के हैं लेकिन वृष राशि में रहेंगे, बुध कन्या राशि में रहेंगे, 4 डिग्री के हैं, रेट्रो हैं, वक्रीय चाल में है और सूर्य चंद्रमा और नीच के शुक्र के साथ हैं। गुरु 10 डिग्री के हैं, रेट्रो चल रहे हैं, स्वराशि मीन राशि में है, शुक्र 1 डिग्री के हैं, नीच के हैं शुक्र, कन्या राशि में ही है लेकिन सूर्य बुध चंद्रमा वही साथ में है। शनि मकर राशि में है, रेट्रो है, 25 डिग्री के हैं, राहु मेष राशि में है, 20 डिग्री के हैं और केतु तुला राशि में है, 20 डिग्री के हैं लेकिन दोनों वक्रीय चाल में ही रहते हैं। ये तो था गोचर, अब बात करेंगे राशियों का हाल। लेकिन लकी विजेता लकी अक्षर भी है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। मेष राशि यानी एरीज की बात कर लेते हैं। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे लेकिन आपको आज के दिन फ़ोन ज़रूर आना है, बट आपने फ़ोन इग्नोर नहीं करना है, वहीं से चिढ़ भी जाएंगे, चाहे छुट्टी है आपकी या कुछ भी है, बट आपने फ़ोन इग्नोर नहीं करना है आज के दिन, ध्यान रखिएगा। बॉस का फ़ोन फटाक से उठा लीजिए। खाने पीने को लेकर थोड़ा सा परहेज रखने की ज़रूरत है। गाड़ी चलाते समय ज़रा सावधानी रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, तनाव से बचने का प्रयास करें, किसी से आज के दिन वाद विवाद ना करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात कर लेते हैं, विदेश का आपका सपना साकार हो सकता है, कोई खास व्यक्ति आज आपके साथ टकरा सकता है जो आपके लिए विदेश के लिए कुछ आपको स्पॉन्सर्ड कर सकता है, हो सकता है कोई आपके लिए सोर्सेज बनवा सकता है, लेकिन बड़ों से बहस ना करें। अनजान व्यक्ति पर हद से ज़्यादा विश्वास ना करें, थोड़ा सा
तहकीकात जरूर कर लें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात कर लेते हैं। धन किसी को उधार में ना दें आज के दिन, दूसरों को अपने वाणी के द्वारा चोट ना पहुंचाएं, गाड़ी सावधानी से चलाएं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात कर लेते हैं। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तो अपने पे फोकस करें, शत्रुओं पर नहीं, परिवार की ओर खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप धन का लेन देन करने जा रहे हैं तो सूर्य अस्त के बाद का समय चूज ना करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या की बात कर लेते हैं। आपकी सहयोगी आज आपको कोई खास इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को आपने आगे शेयर नहीं करना है। परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य तालमेल बना करके रखें और वाणी पे खास करके थोड़ा सा कंट्रोल रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। अब आती है बात कि लकी विजेता कौन है आज के दिन, जिनकी कुंडली आज के दिन देखी जाएगी। सपना जी जुड़ी हैं, सपना शर्मा, और इन्होंने कोई डिटेल नहीं डाली है और कुछ नहीं बताया कहाँ, और ना कोई प्रश्न डाला है, सिर्फ अपनी डिटेल अपना नाम लिखा है और हेलो मैडम लिखा है। और सपना जी के मैसेज ना बहुत बार आए हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भी ये मैसेज आ चुके हैं इनके नाम से। बट सपना जी, मैं आपके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा वो बताऊँ, कुंभ राशि है आपकी और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनि देव को थोड़ा सा प्रसन्न करना शुरू कर दीजिए। आपका एक मैसेज मैंने अपने व्हाट्सएप पर पढ़ा था जहाँ आपने कहा था मेरा मन बहुत परेशान रहता है, विचलित रहता है। कोई बात नहीं, मन विचलित रहता है तो आप एक काम कीजिए, चंद्रमा के दर्शन करना शुरू कर दीजिए, और अगर पॉसिबल हो और अगर आपके पास डिटेल हो तो किसी को भी अपनी डिटेल दिखा करके अच्छे से एक मोती रत्न धारण कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम नाम राशि से चलते हैं तो आपकी कुंभ राशि बनती है, हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के एक दिया जलाना शुरू कर दीजिए, इससे आपका मन भी शांत होगा, इससे आपकी अड़चनें भी दूर होंगी और आप एक फोकस करते हुए अपने किसी भी कार्य को कर पाएंगे, और खास करके आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा भी रहेगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से। जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए और लोगों को भी इस चैनल के साथ जोड़िएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे प्रश्न डालते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं। जब भी आप लोग डिटेल डालें प्लीज़ अपनी क्वेश्चंस ज़रूर साथ के साथ डाला करें, या फिर प्रॉपर डिटेल डालना शुरू कर दीजिए। हाँ, अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो प्रश्न कुंडली का सहारा लिया जा सकता है, आपकी नाम कुंडली का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास डिटेल है तो आप इतनी मेहनत करते हैं तो डिटेल डालना शुरू कर दीजिए। अगली राशि की तरफ बढ़ देते हैं, तुला राशि है अगली राशि। गलत कार्य करने से बचें, नई संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं, कोई एक अच्छे संकेत आपको मिल सकते हैं। अचानक आपका फंसा हुआ धन आपके पास आ सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक की बात कर लेते हैं। अचानक धन आपके पास भी आने के लिए बेताब है, अचानक धन के योग है, सोच समझ करके फैसला ले बोले, क्योंकि सामने वाले को हो सकता है आपकी वाणी के चलते कुछ परेशानी हो सकती है। देर रात तक अकेली जगहों सुनसान जगहों पर ना रहें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात कर लेते हैं। धन लेने में थोड़ी सी सावधानी रखें, आज अगर किसी से भी धन लेने जा रहे हैं ज़रा सावधान होकर के लें, अपने मन को वश में करें, अपने फैसले स्वयं लें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी। गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। प्रतियोगिता में सफलता की पूरी पूरी संभावना है, समाज में आपका मान सम्मान आपको आज के दिन मिल सकता है, धन के लेन देन में सावधानी रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात कर लेते हैं। व्यापार में वृद्धि के योग है, फंसा हुआ धन आपका आपको वापस मिल सकता है, बच्चों के साथ बहस ना करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6,
शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि। जीवन साथी से दूरियां आपकी जो डिस्प्यूट थे वो खत्म होंगे। बड़ों के साथ बहस बिल्कुल ना करें। अचानक कहीं जाने का कार्यक्रम बन सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा एक। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कल है 26 तारीख। लकी अक्षर कैसे इस्तेमाल करना है आपने। 26 तारीख है 26 सितंबर सोमवार का दिन है। नवरात्रि का पहला दिन है। शारदीय नवरात्रि शुरू होंगे। आपका लकी अक्षर है माँ। माता रानी का साक्षात देखिए अक्षर निकला आपके लिए। तो माँ अक्षर आपने सिंदूर के साथ कागज़ के ऊपर लिखना है और सबसे पहले ऊपर लिखना है जय माता दी। नीचे माँ अक्षर लिखिए और इसे पूरा दिन अपने साथ रखिए कागज़ को। शाम को जब सूर्य अस्त के बाद आप घर लौटें या पहले भी लौट सकते हैं, बट इस अक्षर को सूर्य अस्त के बाद ही किसी भी पेड़ पौधे पवित्र पेड़ पौधे की जड़ में रख दीजिएगा। यकीन मानिए आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपके काम भी बनेंगे और आपके अचानक जो फैसले हैं गलत ना हो रहे थे, नहीं डिसीजन ले पा रहे, अचानक कोई अच्छा फैसला लेकर के सफलता की ओर बढ़ेंगे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का तो इंतज़ार करें। लेकिन कल सुबह 6 बजे राशिफल का इंतज़ार ज़रूर करें। कल सुबह 6 बजे फिर हाजिर होंगे आप ही के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।